गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी डिस्कस अबाउट लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। जो टॉपिक आप आज अपने स्टार्ट कर रहे हैं, इस टॉपिक पर आपको लास्ट वीडियो में कुछ बेसिक नॉलेज आपको दी गई थी। तो इसमें सीरीज में यानी कि जो लाइन स्पेक्ट्रम है हाइड्रोजन एटम का, उसमें क्या होता है कि कोई भी जो हाइड्रोजन एटम होता है और उसके क्या है कि गैसेस स्टेट में हाइड्रोजन एटम, अब जो हाइड्रोजन होता है वो किस में होता है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल गैसेस स्टेट में होता है, ठीक है। और जब इस गैसेस स्टेट पर क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड करते हैं, या अपन ये कहें कि इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज अपने इस पर पास थ्रू करते हैं इस गैस में से, तो उस टाइम क्या होता है कि जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है वो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल क्या होते हैं कि हाइड्रोजन एटम में क्या हो जाते हैं, डिसोसिएट होते हैं। हाइड्रोजन एटम में क्या होंगे, डिसोसिएट होंगे। भाई जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन क्या है कि आपको मॉलिक्यूल स्टेट में यानी कि डाई एटॉमिक स्टेट में मिलता है, ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है। और इट मीन डाई एटॉमिक स्टेट से मतलब क्या है कि कोई भी जो एलिमेंट है, अगर वो एलिमेंट के क्या है कि टू एटम्स कंबाइंड मिलते हैं, एक साथ मिलते हैं, जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन भी डायटोमिक स्ट्रक्चर में, नाइट्रोजन है, ठीक है, ये डायटोमिक मिलते हैं। यानी कि जो हाइड्रोजन है वो एटम स्टेट में अपने को नहीं मिलता है, ओनली किस में मिलता है, मोलिकुलर स्टेट में मिलता है। तो जब इसमें क्या होता है कि अपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं या इसमें इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इस पर पास थ्रू करते हैं, तो जो हाइड्रोजन मोलिक्यूल है वो हाइड्रोजन मोलिक्यूल क्या होता है कि हाइड्रोजन एटम में डिसोशिएट हो जाता है, ठीक है। और हाइड्रोजन एटम में डिसोशिएट क्यों होता है कि ये एनर्जेटिकली क्या हो जाता है, एक्साइटेड हो जाता है। और उस कंडीशन में जब ये एनर्जेटिकल एक्साइटेड होता है तो ये क्या होता है कि एक डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी की क्या है कि रेडिएशन क्या करता है कि इमिटेड करता है, ठीक है, कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो क्या है कि डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी की होती है उसको क्या करता है, ये इमिटेड करेगा, ठीक है। तो इस सिस्टम पर क्या है कि आप जो हाइड्रोजन एटम का जो लाइन स्पेक्ट्रम है, इस स्पेक्ट्रम पर क्या है कि फाइव साइंटिस्ट है जिनके आप अलग अलग सीरीज बताएंगे वो, ठीक है। उस सीरीज पर अपन डिस्कस करेंगे कि ये पांच साइंटिस्ट आपको नॉलेज में डाल देते हैं कौन कौन है, कि लाइमन है, बाल्मर है, पासान है, ठीक है, ब्रैकेट है और फुंड है, ठीक है। इन्होंने क्या है कि हाइड्रोजन एटम के लाइन स्पेक्ट्रम को ग्राफिकल शो किया है, ठीक है, और किस किस तरह से क्या है कि ये कौन सी वेवलेंथ यानी कि किस रीजन की वेवलेंथ को क्या करता है ये कि शो करते हैं यानी कि उसको इमिट करते हैं। तो इसमें क्या है कि भाई वो यूवी रेंज की भी होती है, इसके अलावा विजिबल रेंज की भी होती है और इंफ्रारेड रेंज की भी क्या होती है कि रेडिएशन इमिटेड होती है। तो उस बेस पर अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है कि व्हेन एन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इज पास थ्रू गैसियस हाइड्रोजन, ठीक है, अपने ये बात स्टार्ट हुई थी, द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल डिसोसिएट एंड द एनर्जेटिकली एक्साइटेड, ठीक है, हाइड्रोजन एटम प्रोड्यूस इमिटेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना, कि एक डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी की क्या करेगा कि ये भाई एनर्जी एब्जॉर्व करेगा, एनर्जी एब्जॉर्व करेगा तो क्या है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या करेगा, इमिट करेगा, और वो इमिट जो फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी क्या है कि डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट जो बात आती है इसमें कि द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कंसिस्ट ऑफ सेवरल सीरीज ऑफ लाइन नेम्ड आफ्टर दियर डिस्कवर्स, ठीक है ना, कि जो इसके कुछ सेवरल सीरीज हैं और उनका जो नाम है वो क्या है कि उनकी डिस्कवरी के आफ्टर दियर डिस्कवरीज, ठीक है, उनके नॉमिनिकल्चर जो है कि उनकी डिस्कवरी के अकॉर्डेंस यानी कि डिस्कवरी हुई है। और ज़्यादातर जो अपन यहाँ पर जो बात कर रहे हैं वो जो सीरीज का नाम है, वो सीरीज का जो नेम है वो क्या है कि उस साइंटिस्ट के नेम के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर रखा गया है, ठीक है। तो फर्स्ट अपन बात कर रहे हैं बाल्मर सीरीज, ठीक है। तो बाल्मर क्या है कि बाल्मर शो इन 1885 ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है दैट इफ स्पेक्ट्रल लाइन आर एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ वेव नंबर देन द विजिबल लाइन ऑफ द
हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ओबे द फॉलोइंग फॉर्मूला। ठीक है, अब ये फॉर्मूला जो आपके सामने है, इस फॉर्मूले में क्या है कि जो V बार है यानी कि V डैश जो आपको दिख रहा है, शो हो रहा है, ये तो क्या है, वेव नंबर है। ठीक है, ये 109677 ये क्या है, रेडबर्ग कांस्टेंट है, ये साइंटिस्ट है। ठीक है, उसके उसमें रखा गया है सम्मान में। और 1/2² - 1/n² तो यहां पर जो n की वैल्यू है वो मोर देन 3 है, या 3 या मोर देन 3, यानी कि इसे नेक्स्ट है। ठीक है, तो आप देखिए इसमें वेयर n इज एन इंटीग्रल इक्वेशन, 2 or greater than 3 इज n इक्वल टू 3, 4, 5, 6, 7 डॉट डॉट डॉट। द सीरीज ऑफ लाइन डिस्क्राइब्ड बाय दिस फॉर्मूला आर कॉल्ड द बाल्मर सीरीज। ठीक है, और जो बाल्मर सीरीज है इसमें जो हाइड्रोजन एटम का जो लाइन स्पेक्ट्रम फॉर्म होता है, वो जो स्पेक्ट्रम है वो किसको, विजिबल रीजन को अपीयर करता है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि बाल्मर सीरीज ऑफ लाइन आर ओनली लाइन इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम विच अपीयर इन द विजिबल रीजन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है, अब इसमें जो आप देख रहे हैं, तो इसमें आप जो आपको एक डायग्राम शो कर रहा हूं मैं, कि इन्होंने जो बाल्मर था इसने इसको जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का लाइन, हाइड्रोजन का जो लाइन स्पेक्ट्रम उसको इसने किस तरह से डिनोटेड किया। ठीक है, तो अपने इसको सभी का इसके डायग्राम से आपको शो करेंगे। तो ये एक्सिस तो किसको है, एनर्जी। ठीक है, एनर्जी को शो कर रही है। ठीक है, और यहाँ पर आप n इक्वल टू लेंगे तो n इक्वल टू 1। ठीक है, ये जो एक्सिस है, अब यहाँ पर क्या मान लिया अपन ने, n इक्वल टू 1। अब n इक्वल टू 2 इनमें एनर्जी डिफरेंस है, यहाँ आ गया n इक्वल टू 2। ठीक है, फिर आएगा n इक्वल टू 3, ठीक है, n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 5, n इक्वल टू 6, और इस तरह से आप इसको बढ़ते जाएंगे आप आगे, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, इन्फिनेटिव। ठीक है, अब इसमें जो बाल्मर सीरीज है, बाल्मर सीरीज में किस तरह से इसने बोला है कि बाल्मर सीरीज क्या होता है, विजिबल रेंज की है, तो इसमें जो n इक्वल टू है वो मिनिमम क्या है, यानी कि 2 से स्टार्ट होता है भी, आपने जो फॉर्मूला बताया है वो v बार इक्वल टू 1 109677 1/2² - 1/n² और यहां पर n अपने बोला है कि ग्रेटर देन क्या होता है, 3 या 3, 4, 5 डॉट डॉट डॉट। तो यहां पर जो सीरीज होगी वो 2 से स्टार्ट होगी, यानी कि इसमें लोअर स्टेट क्या है, 2 है। ठीक है, इससे आपको शो हो जाएगा। तो यहां पर क्या है कि जो विजिबल रीजन है उसकी जो हाइड्रोजन एटम की जो स्पेक्ट्रल लाइन बनेगी वो इस तरह से शो होगी, जो क्या है कि रेड कलर है, किसके लिए है, रेड। फिर अगर n इक्वल टू क्या लेते हैं, अब अपन 4 लेते हैं, तो उस कंडीशन में कौन सी स्पेक्ट्रल लाइन बनेगी, ग्रीन। ठीक है, n इक्वल टू अपन 5 लेते हैं, तो उस कंडीशन में कौन सी बनेगी, ब्लू कलर। ठीक है, और अगर क्या लेते हैं अपन n इक्वल टू 6 लेते हैं, तो कौन सी सीरीज की लाइन आ जाएगी, वॉयलेट कलर की। ठीक है, तो ये क्या है कि विजिबल रीजन है, ठीक है, और जो किसकी है, बाल्मर सीरीज। ठीक, इसी तरह से आपको लाइमन और किसकी बात होगी, पासान सीरीज की बात होगी, तो वो आपको अभी बताते हैं। ठीक है, देखिए अब नेक्स्ट सीरीज आती है, द स्वीडिश स्पेक्ट्रोस्कोपिस्ट
जॉनसन रेडबर्ग नोटेड दैट ऑल सीरीज ऑफ लाइन इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कुड बी डिस्क्राइब बाय द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ठीक है, तो इसमें क्या है कि भाई आपको एन इक्वल वन अपॉन एन वन स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन टू स्क्वायर पर सेंटीमीटर। ठीक है, वेयर एन इक्वल टू क्या है, वन टू है। ठीक है, तो एन टू इक्वल टू क्या होगा, एन वन प्लस वन, एन वन प्लस टू, एन वन प्लस थ्री, यानी कि जो आपने बाल्मर सीरीज में पढ़ा, यानी कि उससे जो फर्स्ट वैल्यू है यानी कि एन वन की जो वैल्यू है उससे वन क्या होगा कि ये मोर होगा। ठीक है, द वैल्यू 1.0966 पर सेंटीमीटर इज कॉल्ड द रिडबर्ग कॉन्स्टेंट फॉर हाइड्रोजन। ठीक है, अब देखिए इसमें फर्स्ट फाइव सीरीज है, द फर्स्ट फाइव सीरीज ऑफ लाइन दैट कोरस्पॉन्ड टू एन इक्वल टू वन टू थ्री फोर फाइव आर नोन एज लाइमन बाल्मर पासान ब्रैकेट एंड फुंड सीरीज रेस्पेक्टिवली। जो आपके सामने एक टेबल है, तो इस टेबल में आपको क्या है कि एक इनसे जो स्पेक्ट्रल रीजन आता है वो रीजन कौन सा है। अब देखो जो लाइमन सीरीज है इसे अल्ट्रावायलेट रीजन की आती है, बाल्मर से आपको अभी मैंने डायग्राम से बता दिया है विजिबल आता है, पासान है इससे आई आर आता है इंफ्रारेड। ठीक है, ब्रैकेट है इससे भी आई आर आता है और फुंड से भी क्या है आई बार आई आर रीजन आता है। तो इसकी आपको स्पेक्ट्रल लाइन आपको बताते हैं। तो जो लाइमन सीरीज है इस सीरीज में क्या होता है कि भाई एन वन एन वन इक्वल टू क्या है, वन है, और एन टू इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन वन प्लस वन। तो क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर एन वन की वैल्यू वन है तो एन टू इक्वल टू क्या हो जाएगा, टू। ऐसे ही क्या है, एन टू की नेक्स्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, एन वन प्लस टू, तो एन थ्री एन फोर एन फाइव उसी सीरीज में अब बढ़ेंगे। तो इसके लिए जो स्पेक्ट्रल लाइन बनेगी, फर्स्ट लाइन, ठीक है, फिर एन थ्री से, फिर एन फोर से, फिर एन फाइव से और फिर एन सिक्स से। ये जो सीरीज बनेगी, ये सीरीज आपको किसे बनेगी, लाइमन। ठीक है, जो क्या होती है, इंफ्रारेड आईआर रेंज की होती है। ठीक है, इसी तरह से आप पासान सीरीज की बात करें तो पासान सीरीज है वो भी किस रेंज की है, आईआर की है, सॉरी ये आईआर की नहीं, इसकी यूवी की है, अल्ट्रावायलेट, किसकी है, अल्ट्रावायलेट है। और जो पासान ब्रैकेट और फुंड है इनकी क्या है, इंफ्रारेड है। तो इन तीनों के आप कैसे डिनोटेड करेंगे यहाँ पर, तो इनमें क्या है कि n इक्वल टू क्या लेंगे कि n वन इक्वल टू क्या लेंगे यहाँ पर, थ्री, n इक्वल टू क्या लेंगे, n वन इक्वल टू थ्री, तो n टू इक्वल टू क्या हो जाएगा, n वन प्लस वन, यानी कि n इक्वल टू फोर, इनकी फर्स्ट सीरीज ये हो जाएगी। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जब अपने ये सीरीज लेंगे तो क्या बनेगा, फर्स्ट रो सेकंड लाइन और थर्ड लाइन। ठीक है, तो ये कौन सी सीरीज के हैं, पासान। ये पासान सीरीज और जो किससे है, इंफ्रा रेड रीजन से रिलेटेड है। ठीक है, तो इस तरह से क्या है कि इनकी ये स्पेक्ट्रल लाइन है, आपको मैं एक डायग्राम मैंने वैसे बनाया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है, और आपको मैंने फॉर्म करके भी बता दिया है। ठीक है, तो ये आपको डायग्राम आपको शो हो रहा है क्लियर। ठीक है, ये तो मैंने रफली बनाया था आपको, अभी रफ में जो आपको डिस्कस कर रहा था उस टाइम ही आपको फोन करके बताया है। ठीक है, तो ये क्या है, लाइमन सीरीज, ये बाल्मर सीरीज जिस पर ये कलर कौन सा है, रेड, ठीक है, रेड ग्रीन ब्लू और वॉलेट कलर। ठीक है, और ये कौन सी है, पासान सीरीज, ये कौन सी सीरीज हो गई, बाल्मर, ये लाइमन और ये पासान। ठीक है, तो ओनली बाइमर जो बाल्मर सीरीज है ये क्या आती है, विजिबल रीजन में आती है, इसलिए यहाँ पर कलर शो हो रहे हैं, बाकी में आपको किसी में भी कलर शो नहीं हो, क्योंकि ये कौन से है कि
अदर रेंज के, यानी कि एक अल्ट्रावायलेट का है और एक किसका है, इंफ्रारेड रेंज का है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो आती है टॉपिक आएगा वो आता है अपना एंगुलर मोमेंट यानी कि कोणीय संवेग। ठीक है, कोणीय संवेग या घूर्णन बोल दें अपन। ठीक है, तो इस पर आपको हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस यानी कि नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। ठीक है, आज के लिए आपको इतना ही काफ़ी। थैंक यू।